हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोयम वुमेन टू मैन कंपोज्ड बाय जूडिथ राइट। ठीक है, तो आज हम लोग इस पोयम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको जूडिथ राइट ने कंपोज किया था। एंड शी वाज एन ऑस्ट्रेलियन पोएट, एसेस्ट, हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट एंड क्रिटिक थी। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन पोएट थी कुल मिला के कह सकते हैं। और उनका जो लाइफ स्पैन था वो 1915 से 2000 तक का था। ओके, हाँ, फर्स्ट पब्लिश्ड कलेक्शन वाज द मूविंग इमेज। इनका जो पहला पब्लिश्ड कलेक्शन था द मूविंग इमेज, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1946। एंड शी मैरिड जैक मैक किनी से इनकी शादी हुई थी, जो कि एक फिलोसोफर थे, राइटर थे। एंड उनका जो एक चाइल्ड था उसका नाम मेरेडिथ था। एंड ऑन 26 जून 2000 में उनकी डेथ हो जाती है। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक इन कैनबरा। कैनबरा में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। दैट टाइम शी वॉज 85 ईयर्स ओल्ड। और उनके कुछ फेमस वर्क्स बोल सकते हैं, उनमें से जो द गेटवे था, द अदर हाफ था, बर्ड्स पोएम जो थी, और फ्लेम ट्री, ये सब उनके कुछ फेमस वर्क्स आते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएम। इस पोएम में क्या होता है, द पोएम वुमेन टू मैन इज अबाउट द फियर ऑफ ए वुमेन इन गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड। इसमें वुमेन जब एक चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके मन में जो फियर होता है, जो डर होता है, उसको दिखाया गया है। ओके, सो इट क्लियरली एग्जिबिट्स द फिजिक और द फियर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन के फियर को इसमें क्लियरली बताया गया है। द पोएटेस प्रेजेंट्स हर ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट द चाइल्ड्स फ्यूचर। इसके अलावा पोएटेस का अपने बच्चे के लिए जो आशावादी नज़रिया है वो भी बताया गया है। सो द पोएम इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन में पोएम लिखी गई है। पोएटेस सब जगह खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से इस पोएम को लिख रही है। सो द पोएम इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द आईलेस लेबरर इन द नाइट, द सेल्फलेस शेपलेस सीड आई होल्ड, बिल्स फॉर इट्स रिसरक्शन डे, साइलेंट एंड स्विफ्ट एंड डीप फ्रॉम साइड, फोर्स इज द अनइमेजिन लाइट। देखिए यहाँ क्या कह रही है पोएट। द पोएट हरसेल्फ इज प्रेग्नेंट। पोएटिस जो है हमारी पोएटिस, वो खुद प्रेग्नेंट है। ठीक है, एंड हेयर वी फाइंड इनडायरेक्टली दैट हर हस्बैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर होम शी एड्रेसेस। अब यहाँ पर इस पोएम के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पर पोएटिस के साथ साथ उसका हस्बैंड भी है। ठीक है, उसको वो ये सब बातें बोल रही है। एंड शी एक्सप्रेसेस हर फियर इन गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, द चाइल्ड इज इन अ वूम इन द फॉर्म ऑफ ए फोएटस। फोएटस की फॉर्म में, फोएटस का मतलब होता है जब बच्चा बिल्कुल सीड की शेप में होता है, बीज की शेप में होता है, तो उस शेप में उसके गर्भ में अभी बच्चा है, उसके वूम में अभी बच्चा है। शी कॉल्स इट एन आईलेस लेबरर। वो उस बच्चे को बोल रही है जो उसके वूम में है, उसके गर्भ में है, कि वो एक आईलेस लेबरर है। बिकॉज इट डजेंट हैज एनी काइंड ऑफ शेप, उसकी अभी तक कोई शेप नहीं है। ठीक है, लेबरर क्यों बोल रही है, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यू मूविंग इन द वूम। वो वूम के अंदर कंटिन्यू मूव कर रहा है। सो वो एक आईलेस है, शेपलेस है, मीन्स अभी तक उसकी आईज आर नॉट डिवेल्प्ड, उसकी आईज अभी तक डिवेल्प नहीं हुई, एंड कंटिन्यू मूव करता है इन द नाइट। इन द नाइट मीन्स इन द डार्कनेस ऑफ हर वूम, उसके वूम के अंधेरे के अंदर वो कंटिन्यू लेबर करता है। द सेल्फलेस शेपलेस सीड आई होल्ड। सेल्फलेस मीन्स अभी तक उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ओके, मीन्स अभी तक देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड, कोई पहचान नहीं है। शेपलेस, देयर इज नो शेप ऑफ द चाइल्ड। एंड सीड आई होल्ड, द पोएटिस इज कॉलिंग द चाइल्ड द सीड। एक बीज बोया गया है, मतलब विच इज स्टिल ग्रोइंग, जो अब क्या है, अभी भी ग्रो कर रहा है। इट इज कंटिन्यू ग्रोइंग, कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, ये सीड पोएटिस के पास है अभी। बिल्स फॉर इट्स रिसरेक्शन डे। ओके, सो द पोएटिस होल्ड्स शेपलेस सीड इन हर वूम, एंड शी इज बियरिंग द पोएटिस विच विल डिवेल्प इन टू ए फ्रूट ऑफ ए चाइल्ड। अब ये सीड है तो इसका फ्रूट बन के चाइल्ड के रूप में आएगा सामने। एंड द पोएटिस इज द सीड विच इज मेड ऑफ द एसेंस ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सेल्फ। सो इट बिल्स और डिवेल्प्स इन टू ए चाइल्ड फॉर अ डे, वैन इट विल कम आउट ऑफ द वूम
एग्जाम्पल वी कैन से द चाइल्ड विल टेक बर्थ, ठीक है. रिसरेक्शन डे मीन्स का मतलब होगा द डे ऑफ इट्स बर्थ, जब उसका जन्म होगा. देखिए यहाँ रिसरेक्शन का मतलब क्या है, रिसरेक्शन जो होता है, ओके, रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, जस्ट एज द रिसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट हु डिफीटेड डेथ. क्राइस्ट जब वापस पुनर्जीवित हुए थे तो उनके लिए रिसरेक्शन वर्ड का यूज़ किया गया था, मतलब मृत्यु को जीत कर वापस पुनर्जीवित हो जाना. तो उसका पहला जन्म, मतलब वी कैन से रिसरेक्शन डे को बर्थ डे, डे ऑफ बर्थ बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड बर्थ. सेकेंड बर्थ क्यों है, फर्स्ट बर्थ तो बच्चे का एज ए सीड के रूप में हो गया, उसके गर्भ में, उसकी वूम में, एंड द सेकेंड बर्थ इज़ इन द वर्ल्ड. जब सेकेंड बर्थ तब होगा जब इस दुनिया में मृत्यु को हरा कर ये जन्म लेगा, इसलिए इसको रिसरेक्शन डे बोला गया है. साइलेंट एंड स्विफ्ट एंड डीप फ्रॉम साइट द मीन्स इट इज़ साइलेंट. ये कैसा है बच्चा, ये साइलेंट है, मतलब काम है, एकदम शांत है, ठीक है. देर इज़ नो वॉइस कमिंग फ्रॉम हर वूम, कोई वॉइस नहीं आ रही वूम से. एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, स्विफ्ट है. एंड डीप फ्रॉम साइट मीन्स इट कैनॉट सीन फिजिक, कैनॉट बी सीन फिजिकली, फिजिकली उसको नहीं देखा जा सकता. ओके, दो इट इज़ वेरी नियर बट वी कैनॉट सी, वो बहुत पास है लेकिन हम उसको नहीं देख सकते. द चाइल्ड इन द वूम इमेजिन्स द लाइट ऑफ द आउटर वर्ल्ड, फॉर्स इज द अनइमेजिन लाइट. मतलब ये जो बच्चा है ना इनसाइड हर वूम, तो ये यहाँ इमेजरी कर रही है, कल्पना कर रही है कि वो फोर्स ही कर रहा है, मतलब कि एक इमेजिन कर रहा है वो बच्चा द अनइमेजिन लाइट, जो लाइट उसने अभी तक नहीं देखी है. ओके, द चाइल्ड इज गैसिंग द लाइट कि बाहर कैसी दुनिया होगी, ठीक है, वो एक तरह से अनुमान लगा रहा है. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज कम्प्लीटेड हियर, लेट्स मूव ऑन द सेकेंड स्टैंजा. दिस इज नो चाइल्ड विथ अ चाइल्ड्स फेस, दिस इज नो नेम टू अ नेम इट बाय. ये वो चीज़ है, ये वो बच्चा है जिसके अभी तक मीन्स कोई शेप नहीं है. द पोइटस हरसेल्फ इज प्रेग्नेंट विद वन ऑफ आर चिल्ड्रन एंड सेज दैट अनटिल द पोइटस टेक द शेप ऑफ अ चाइल्ड एंड इट्स फेस डिवेलप्स इट कैनॉट कॉल्ड बी अ चाइल्ड. कि जब तक उसका फेस डिवेलप नहीं हो जाता, पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती, वी कैनॉट से इट एज ए चाइल्ड, हम इसको बच्चा नहीं कह सकते, इसको फोइटस ही बोल सकते हैं. ओके, एंड इट कांट गिवन बी अ नेम, दिस हैज़ नो नेम, इसको कोई नाम भी नहीं दिया जा सकता ना, बच्चे का बर्थ के बाद ही नाम दिया जाता है, इट बाय, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता. एंड इट ऑल्सो देन येट यू एंड आई नॉन इट वेल. ओके, इट कैनॉट बी एड्रेस्ड विदाउट नेम. देन शी एड्रेसेस हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को बोल रही है, यहाँ यू उसके हस्बैंड के लिए आया है. सेज दैट ही एंड हर सेल्फ नो वेल दैट देयर इज़ ए न्यू लाइफ टू बी बॉर्न. ये दोनों जानते हैं कि एक नए जीवन का जन्म होने वाला है. दो अननेम्ड, हालांकि उसका कोई नाम नहीं है, इन हर वूम बिकॉज दे बोथ हैव क्रिएटेड इट, लेकिन वो उसके वूम में है, उसके गर्भ में है, दोनों ने मिलकर उसको बनाया है. सो द पोइटस कॉल्स द अनबोर्न चाइल्ड देयर हंटर एंड देयर चेस, दिस इज आवर हंटर एंड आवर चेस. आवर हंटर का मतलब ये हमारा शिकार करेगा, एंड चेस मतलब हम उसको पकड़ेंगे. मतलब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि द चाइल्ड इज हंटर बिकॉज इट इज़ द चाइल्ड दैट मेक देम एक्टिव. ये वो बच्चा होगा जो उनको एक्टिव बनाए रखेगा, लाइक अ हंटर. ओके, थॉटफुल बनाए रखेगा, एक्साइटेड एंड बिजी इन फ्यूचर प्रेपरेशंस, इन सब में बिजी रखेगा. एंड दे ईगरली वेट फॉर हिम, वो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एंड और चेज मीन्स इट विल मेक देम एक्टिव और थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ. अब उनको चेज का मतलब यहाँ है विक्टिम, वो हंटर भी हम होंगे, उसके शिकार भी होंगे, लाइक दिस. द थर्ड हु ले इन और एम्ब्रेस देयर एम और फ्यूचर टारगेट इज देयर चाइल्ड. ओके, एंड इट विल बी द थर्ड मेम्बर ऑफ देयर फैमिली, उनकी फैमिली का तीसरा मेम्बर होगा ये. एंड शेयर देयर एम्ब्रेस एंड केयरसेस, मतलब उनकी जो उनकी एम्ब्रेस है, उनके हग है, उनका लव है, उस सब को वो शेयर करेगा उनके साथ में. तीसरा मेम्बर आएगा उनकी फैमिली में और वो उनके साथ रहेगा. एवरी थिंग विल बी शेयर्ड बाई इट, इसके द्वारा सभी चीज़ों को शेयर किया जाएगा. दिस इज द स्ट्रेंथ दैट योर आर्म नोज. Now the poetess addresses her husband and says that it is the strength of his arms
ओके, ये उसके आर्म की स्ट्रेंथ है, तुम्हारी शक्ति है. दिस इज़ द पावर ऑफ योर स्ट्रेंथ, पावर ऑफ योर आर्म्स. तुम्हारा जो जो भी बेबी है, ये तुम्हारे स्ट्रेंथ है, तुम्हारी पावर है, तुम्हारे आर्म्स की. द आर्क फ्लैश दैट इज़ माई ब्रेस्ट एंड दैट नोज द राउंडनेस ऑफ आवर फ्लैशी ब्रेस्ट. और ये उसके फ्लैशी ब्रेस्ट का एक भाग है, उसके जिगर का टुकड़ा है. मतलब द प्रेसी क्रिस्टल्स ऑफ आवर आइज, और ये उन दोनों की आँखों का तारा है. मीन्स इट विल बी वेरी डियर टू दैम, उनके लिए बहुत ज़्यादा डियर रहेगा, आँखों का तारा रहेगा, वैल्यूएबल रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा. दिस इज़ द ब्लड्स वाइल्ड ट्री डैट ग्रोज द इंट्रिकेट एंड फोल्डेड रोज, शी सेज. अब वो देखिए इतना सुंदर यहाँ प्रस्तुत करती है कि इन हर वोम ब्लड्स वाइल्ड ट्री, और वी कैन से नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स इज ग्रोइंग. उसके वॉम में, उसके गर्भ में इधर उधर वेन्स के पेड़ के जैसे, एक जंगली वाइल्ड ट्री होता है ना, ऐसे बहुत सारी नसें फैली हुई है, वेन्स फैली हुई है उसके गर्भ के अंदर. ओके, शी मीन्स टू से दैट वेरी कॉम्प्लिकेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फोइटस इज डिवेलपिंग इन टू अ चाइल्ड एंड विथ दिस डिवेलपमेंट हिज वेन्स एंड आर्टरीज ऑल्सो आर ग्रोइंग. सो दिस इज ब्लड वाइल्ड ट्री दैट ग्रोज विद द चाइल्ड, एवरी थिंग इज ग्रोइंग इन हर वोम. ये वाइल्ड जो नसें हैं चारों तरफ, इसके अंदर ये चाइल्ड भी ग्रो कर रहा है. द इंट्रिकेट एंड फोल्डेड रोज, इंट्रिकेट मीन्स कॉम्प्लिकेट, ओके, इन ए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म. द चाइल्ड हैज़ बीन कॉल्ड एन अनफोल्डेड रोज एज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की फॉर्म में है, एक मतलब ये अनखिली कली के रूप में है अभी, इस गर्भ के अंदर, इस जंगली पेड़ के बीच में ये अभी एक ऐसी कली है जो खिली नहीं है. इट विल अनफोल्ड व्हेन इट विल टेक बर्थ और कम आउट ऑफ वोम. जब ये बाहर निकल कर आएगा ना, तब ये कली खिलेगी. ठीक है, तो इसको अनफोल्डेड रोज बताती है बेबी को. दिस इज़ द मेकर एंड द मेड, यही बनाने वाला है, यही क्रिएटर है, और यही हमारी क्रिएटिविटी है. ओके, द पोइटेस इज दैट द चाइल्ड इन हर वोम इज़ द मेकर एंड द मेड. मेकर मीन्स इट इज़ मेड बिकॉज इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ पेरेंट्स. ठीक है, मेड क्यों है, क्योंकि पेरेंट्स की क्रिएशन है, बनाया गया है इसको पेरेंट्स द्वारा. एंड इट इज़ मेकर एज इन फ्यूचर व्हेन ही बिकम्स ए मैन ही ऑल्सो विल क्रिएट ए न्यू चाइल्ड. मेकर क्यों है, फ्यूचर में वो जब बड़ा होएगा तो वो भी एक न्यू चाइल्ड को क्रिएट करेगा. दिस इज़ द क्वेश्चन एंड रिप्लाई, इट इज़ द क्वेश्चन एंड रिप्लाई ऑल्सो. इट इज़ द क्वेश्चन मीन्स इट इज़ अ क्वेश्चन टिल इट टेक्स बर्थ, जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक ये एक प्रश्न है कि क्या होगा, है ना. और एक रिप्लाई भी है, रिप्लाई कब होगा, व्हेन इट विल टेक बर्थ, जब बर्थ हो जाएगा तो उसका जवाब भी हो जाएगा. एंड द ब्लाइंड हैड बटिंग एट द डार्क द ब्लेज ऑफ लाइट अलोंग द ब्लेड ओ होल्ड मी फॉर आई एम अफ्रेड. या द ब्लाइंड, ओके, देखिए, व्हाट इज इट्स कलर, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, हाउ ही लुक्स आर अननोन एंड हैंस द चाइल्ड इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन. ठीक है, कुछ पता नहीं है जब तक, ये क्वेश्चन ही है कि कैसा कलर है, कैसा दिखेगा. ठीक है, ये सब ये अभी तक पता नहीं है. इट विल बी लाइक ए रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस एंड क्यूरियोसिटीज, और जब जन्म ले लेगा तो सभी बातों का ये जवाब हो जाएगा, सभी प्रश्न और जिज्ञासाओं का जवाब हो जाएगा. सो द आगे कहता है, द फोइटस इज ब्लाइंड एज इट कैनॉट सी इन द डार्कनेस ऑफ द वोम. ये ब्लाइंड है, ठीक है, पहली बात तो आइज आर नॉट क्रिएटेड, दूसरी बात देर इज डार्कनेस इन हर वोम, उसकी वोम में डार्कनेस है. सो इट इज़ स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द वोम, वो बार बार टकराता है उसकी वोम पे, उसके गर्भ में. सो ओके, देन द ब्लेज ऑफ लाइट अलोंग द ब्लेड व्हेन इट इज इट टेक्स बर्थ द ब्लेज ऑफ लाइट और वी कैन से ब्लेड में डिस्टर्ब इट. जब वो जन्म लेगा तो वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे, द इंस्ट्रूमेंट्स विच विल बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी ब्लेज से, उसकी ब्राइटनेस से, चमक से उसको डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है, उसकी इट्स ब्राइटनेस कैन डिस्टर्ब द फोइटस और बेबी. सो द फोइटस इज अफ्रेड ऑफ गिविंग द बर्थ टू ए चाइल्ड, इसलिए फोइटस को डर लग रहा है बेबी को जन्म देने में. शी आस्क्स हर हस्बैंड टू होल्ड हर एज शी इज़ अफ्रेड टू थिंक ऑफ इट, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे होल्ड कर लो, पकड़ लो, बिकॉज आई एम अफ्रेड टू गिव द बर्थ टू ए चाइल्ड, एक बच्चे को जन्म देने में मुझे
डर लग रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोयम है जिसमें एक यूनिवर्सल फैक्ट को प्रेजेंट किया गया है। इट हैपन्स विद एवरी वुमेन, सभी के साथ ये होता है। देन वी कैन नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। फर्स्ट थिंग इज दैट इट्स टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। देखिए टाइटल जो है इसका वो अप्रोप्रिएट क्यों है, बिकॉज द टाइटल मेक्स द पोएम यूनिवर्सल। टाइटल की वजह से ये पोएम सार्वभौमिक बन जाती है। कैसे? द एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन बिकम्स द एक्सपीरियंस ऑफ एवरी वुमेन। जो वुमेन की एक वुमेन का इसमें एक्सपीरियंस बताया है वो सभी वुमेन का एक्सपीरियंस शो करता है। एंड द टाइटल सीम्स एज इफ द वुमेन इज ऑफरिंग हर बॉडी टू क्रिएट अ चाइल्ड और एवरी थिंग टू हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को अपनी बॉडी सौंप देती है, सब कुछ सौंप देती है एक बच्चे को जन्म देने के लिए। और इसके अलावा इट आल्सो मीन्स दैट वुमेन हैज़ समथिंग टू गिव टू द मैन, नॉट ओनली द प्लेजर बट थ्रू ब्लड पेन चाइल्ड एवरी थिंग। ठीक है, तो वुमेन टू मैन, जैसा कि इसका टाइटल ही है कि एक वुमेन हस्बैंड एक पति एक मैन को न केवल खुशी दे सकती है बल्कि ब्लड पेन बच्चा सब, मतलब कि वो कितना पेन सहन करके खुशियाँ दे सकती है। सो एक बहुत ही टाइटल इसका यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट करने वाला है। इसके अलावा लैंग्वेज जो है इसकी बड़ी ही हाई, इसके लैंग्वेज के बारे में यदि हम सोचें तो इट इज़ वेरी हाईली टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है। एंड द पोएटेस हैज़ ए ग्रेट कंट्रोल ओवर द लैंग्वेज। ठीक है, और या राइम स्कीम भी देख सकते हैं हम यहाँ पर, ए बी एंड ए, वेट वेट, नो 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 नो, इसकी राइम स्कीम अभी यहाँ पर बाइनरी ए थोड़े डिफरेंट है ना, ए बी नोज आईज ग्रोज देन ए देन रोज, सो देर इज नॉट अ डेफिनेट राइम स्कीम ऑफ द पोएम। आगे चलो, आगे देखो, ब्यूटीफुल इमेजेस, इमेजरी का बहुत अच्छा यूज़ किया है पोएट ने। इमेजरी का यूज़ कैसे किया है, एक तरफ तो उसने ब्यूटीफुल इमेजेस दी है, ठीक है, ये भी लिटरेरी डिवाइस के अंदर आता है, इमेजेस, द यूज़ ऑफ इमेजेस, इमेजरी या इमेजरी। देखिए उसमें एक तरफ तो ब्यूटीफुल इमेजेस दी है, ब्यूटीफुल में क्या क्या दिया है, द इंट्रिकेट एंड फोल्डेड रोज, ठीक है, एक फोल्ड किया हुआ रोज प्यारा सा, इस तरह से जो ब्यूटीफुल इमेज के अंदर आता है। और एक तरफ दी है उसने फियरफुल इमेजरी, फियरफुल के अंदर क्या आता है, द ब्लेज ऑफ लाइट अलॉन्ग द ब्लेड लाइक दिस ओ होल्ड मी फॉर आई एम अफ्रेड। तो एक डर वाली जो इमेज है वो यहाँ पर प्रेजेंट की है उसके फ्यूचरिटी को सोचने के बाद में। इसकी राइम स्कीम के बारे में बात करें तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टैंजास कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस इक्वल नंबर से है, ठीक है, एंड ब्रेक्स बिटवीन स्टैंजास एंड ए रेगुलर नंबर ऑफ बीट्स पर लाइन, इस टाइप का इसका राइमिंग स्कीम बैठता है। एंड द पोएम इज द एड्रेस टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को एड्रेस करते हुए है, ठीक है। उसके बाद रिसरेक्शन वर्ड का यूज़, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिसरेक्शन का यूज़ कैसे हुआ है, ठीक है, जैसे क्राइस्ट का रीबर्थ हुआ था वैसे ही यहाँ पर उसके बेबी का रीबर्थ माना गया है। एंड देर आर सो मैनी एलिट्रेशंस एंड एसोनेंस यूज इन द पोएम, एज वी कैन से द ब्लाइंड द ब्लेज। यहाँ पर जो द शब्द का बार बार यूज हुआ है स्टार्टिंग में, दिस दिस, ओके, इस वाले लिटरेरी टर्म को यहाँ भी द द जो फर्स्ट वर्ड दो लाइन में एक साथ रिपीट किए जाते हैं इसको बोला जाता है एनाफोरा, ANAPHORA। तो एनाफोरा लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ यहाँ पर किया गया है। देयर कैन बी अदर एनाफोराज ऑल्सो, नो या हेयर, देखिए यहाँ भी एनाफोरा का यूज़ है, यहाँ पर द द एनाफोरा इज़ यूज्ड हेयर, दिस एंड दिस एनाफोरा इज़ यूज्ड हेयर, ठीक है। तो एनाफोरा इज़ यूज्ड बाय द पोएट। उसके बाद आगे देखो, या समटाइम्स इंजेबमेंट इज़ यूज्ड ऑल्सो, यहाँ पर जैसे लाइन ख़त्म हो गई उसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिया गया तो इंजेबमेंट का यूज़ यहाँ कह सकते हैं पोएट के द्वारा किया गया। उसके बाद देखिए आगे, अनफोल्डेड रोज में मेटाफर है, बिकॉज द फोइटिस इज़ कम्पेयर टू ए फोल्डेड रोज, उसको इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है फोल्डेड रोज के साथ, तो यहाँ मेटाफर का यूज़ है। ऐसे ही उसकी जो वेन्स है, वेन्स, उनको ब्लड्स वाइल्ड ट्री से कंपेयर किया गया इनडायरेक्ट, तो यहाँ भी मेटाफर का यूज़ है।
ओके सो दो तीन मेटाफर का यूज हो रखा हुआ है यहाँ पर. एंड नेक्स्ट देखते हैं, या यहाँ देखिए एलिट्रेशन है, साइलेंट स्विफ्ट साइट. ओके एलिट्रेशन, टी ई आर ए टी आई ओ एन, एलिट्रेशन इज यूज हेयर. एंड और भी है इसमें येट यू, ठीक है, यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, और एसोनेंस का यूज़ हुआ है, ठीक है. एंड थ द थर्ड, ओके यहाँ नहीं है, लाइक दिस. और इसके अलावा डीप फ्रॉम साइड शेपलेस सीड, या यहाँ भी हुआ है सेल्फलेस शेपलेस सीड, तो यहाँ भी एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है. आगे देखो, द ब्लाइंड डब्ली इज हैड पटिंग एट द डार्क. तो ये सब यहाँ पर इतने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है. और सिम्बोलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सिम्बोलिज्म देखिए क्या बोलना चाह रहा है वो, कि जो चाइल्ड बर्थ है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ को किसका सिम्बॉलिक माना गया है? चाइल्ड बर्थ को लाइफ का सिम्बॉलिक माना गया है, ठीक है. लाइफ का तो है, लेकिन लाइफ का कब है? इफ़ प्रेगनेंसी इज सक्सेसफुल देन चाइल्ड बर्थ इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ लाइफ, बट इफ़ प्रेगनेंसी फेल्स देन चाइल्ड बर्थ इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ डेथ. तो चाइल्ड बर्थ को यहाँ पर दो चीज़ों का सिम्बॉलिक माना गया है, एक तो लाइफ का, एक डेथ का. अगर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती तब तो लाइफ का सिम्बॉलिक है, अदरवाइज इट इज़ द सिम्बॉलिक ऑफ डेथ. सो होपफुली आपको पोयम पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you very much.